लेकर आया हूँ। आज मैं चिकन का कीमा बनाकर आप लोगों को एक नई रेसिपी बताऊंगा और दिखाऊंगा कैसी बनी है। और मटन तो आप जानते हैं, मटन करी बनेगी। तो चिकन का कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन लिया, उसकी सारी हड्डियाँ अलग कर दी और मांस अलग कर दिया। अब मैं एक मिक्सर ले रहा हूँ, उसमें ये सारा मीट है जितना भी है उसको एकदम से बढ़िया से कीमा बना दिया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए एकदम कैसा हो गया है, और देख सकते हैं आप कैसे अलग अलग एकदम बढ़िया से हो गया कीमा की तरह एकदम। बाकी फिर इसके बाद इसके बनाने की तैयारी करते हैं। तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डाल लिया है। अब इसके बाद ये प्याज है, इसको इसमें बढ़िया से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के साथ साथ बढ़िया से एकदम कैरमलाइज होना हो जाना चाहिए। प्याज एकदम बढ़िया से भुन चुका है, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और इसको बढ़िया से चलाएंगे। ये देखिए गुड्डू खड़ा हुआ है हमारा, और अब इसको बढ़िया से चला लेंगे। इसके बाद इसका पानी निकलेगा इसमें से, इसी को बढ़िया से चलाते रहेंगे। इसके बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें सारे मसाले डाल देंगे और बढ़िया से इसके मसाले को पकने देंगे इसके साइड में। और इसको पकने के बाद इसको बढ़िया से इसमें मिला देंगे गरम मसाला डाल के, इसको एकदम से बढ़िया से रेडी कर लेंगे। अब हम इधर मटन की तैयारी करते हैं, उसके लिए भी मसाला बना लेते हैं। और बनाने के बाद कुकर चढ़ाएंगे और उसको गैस को ऑन करेंगे, इसमें तेल डालेंगे। तेल के बाद इसका मसाला जो भी है प्याज वगैरह वो डाल देंगे और इसको बढ़िया से भूनेंगे, क्योंकि ये मटन है इसका एकदम लाजवाब बनना चाहिए। मसाला बढ़िया से भुन चुका है, इसके बाद हम इसमें मटन डाल देंगे। और मटन डालने के बाद इसको बढ़िया से चलाएंगे एकदम, जब तक इसका मटन से पानी एकदम निकलने लगेगा, उसको इसमें पकने देंगे। इसके बाद इसमें हम लोग बढ़िया से चला के फिर मसाला डालेंगे। अब ये देखिए मसाला डालने के बाद पता पड़ेगा कि ये मटन असली में बना कैसा है। बढ़िया से इसको हम लोग चलाते रहेंगे। ये देखिए ये लगा है असली मटन, क्या कलर है, क्या लाजवाब दिख रहा है। मसाला इसमें एकदम बढ़िया से अब भुन चुका है, अब इसको बढ़िया से एकदम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे लिटपिटा थोड़ा सा बना रहे एकदम बढ़िया ग्रेवी, गाढ़ी ग्रेवी वाला, और इसको बढ़िया से चला देंगे। और ये हमारा सब कुछ अब रेडी है। ये देखिए हमारी चिकन कीमा एकदम रेडी है, देखने में एकदम शानदार लग रहा है। और ये हमारा मटन करी एकदम रेडी है, एकदम हड्डी और मांस एकदम उससे अब छूटने लगा है। और अब मैं इसको खा के देखता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।